First, kinds of company. Company Act 2013, section 2, subsection 22. Okay. काइंड्स ऑफ कंपनी के बेसिस में यानी जो लिमिटेड होती है किससे, शेयर से, उसके आधार पे कंपनी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला वन पर्सन कंपनी, कंपनी एक्ट 2013 सबसेक्शन सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। सेकंड प्राइवेट कंपनी, कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। एंड थर्ड पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। ओके अब इनके आधार पे जो कंपनी का जो डिफाइन किया गया वो चीज क्या है कंपनी के बारे में, तो आज चलिए हम देखते हैं। वन पर्सन कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। वन पर्सन कंपनी इज अ कंपनी विच हैज ओनली द पर्सन, ओनली पर्सन एज ए मेंबर, यानी ओनली वन पर्सन ही क्या होता है उसका मेंबर होता है। इट इज द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज ए प्राइवेट विच हैज ओनली द वन मेंबर, यानी ये एक प्राइवेट कंपनी होती है जिसका मेंबर केवल क्या होता है, ओनली वन पर्सन होता है। रूल 3 ऑफ द कंपनी रूल्स 14 प्रोवाइडेड दैट, यानी रूल 3 जो कंपनी के जो रूल 2014 के अंतर्गत क्या प्रोवाइड किया गया है। पहला ओनली द नेचर only the natural person being as Indian citizen and residents in India can form one person company, yani कोई भी person जो Indian citizen होगा, भारतीय नागरिक होगा, वही one person company start कर सकता है। और can be nominee for the sole member of one person company, यानी केवल सोल मेंबर ही होगा, अकेले तो सोल होगा केवल, तो वो क्या हो सकता है, ओनली वन मेंबर हो सकता है। ओके अब इसके जो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, वन पर्सन कैन फ्रॉम ओनली वन वन पर्सन कंपनी नॉमिनी फॉर ओनली वन सच कंपनी, यानी जिसके लिए जो मेंबर होंगे और जिसका नॉमिनी भी होगा तो ओनली क्या होगा, ओनली वन मेंबर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट कैन बी फॉर्म बाय चैरिटेबल पर्पस, इसका जो स्टार्टिंग किया जाता है, इसको बनाया जाता है, इसके लिए किस किस लिए होती है, वो चैरिटेबल सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। नेक्स्ट इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, यानी इनके द्वारा कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकती है, इंक्लूड नहीं हो सकता, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं सिक्योरिटी ऑफ द बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट, यानी कोई भी सिक्योरिटीज में नहीं आ सकती। नेक्स्ट इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख, यानी इनकी जो पेड अप शेयर कैपिटल होगी 50 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर शुड बी नॉट एक्सीड 2 करोड़, यानी इनका जो एवरेज टर्नओवर होगा एनुअल में 2 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट आता है प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सेक्शन 68 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के बेसिस पे। ए प्राइवेट कंपनी इज वन विच हैज द मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाई द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी जिनकी मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल होगी वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा। इनमें कुछ चीजें इनके के आधार पे भी है, रिस्ट्रिक्शन द राइट्स ऑफ राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर इफ एनी, यानी इनके लिए रिस्ट्रिक्शन होती है कि अपने वो शेयर को किसी को भी वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ द वन पर्सन कंपनी लिमिटेड द नंबर ऑफ द इट्स मेंबर एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय मेंबर टू 200, यानी ओनली वन पर्सन कंपनी को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा इनके जो मिनिमम जो जो मेंबर होंगे कम से कम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, और जो इनके मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं कितने हो सकते हैं, 200, किसको छोड़ते किसको होते हुए एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय को। वेयर शेयर आज द हेल्ड बाय द टू और मोर पर्सन जॉइंटली द शैल बी द ट्रीटेड एज ए सिंगल मेंबर, यानी अगर कोई पर्सन अकेले या कई लोग मिलकर किसी शेयर को लेते हैं इस टाइप की कंपनी के, तब उनको जो सिंगल मेंबर ही काउंट किया जाएगा। परमिट्स द इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, यानी इनके लिए इनकी रोक होती है कि वो कभी भी इस कंपनी का जो शेयर है या मार्केट से कोई पैसा वो सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट
टू मेंबर यानी प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम एटलीस्ट कितने मेंबर होने चाहिए, दो मेंबर होने चाहिए। द नेम ऑफ द प्राइवेट कंपनी इन विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि इसके लास्ट में जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है इनके वर्ड के बाद, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब आता है नेक्स्ट आती है पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ए पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी विच, कौन हो सकता है, इट इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी नहीं है। सेकेंड हैज ए मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल इज एज बी सब्सक्राइब्ड बाय एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी इनकी भी मिनिमम कैपिटल जो होगी वो भी किसके द्वारा सब्सक्राइब की जाएगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता हूँ। नेक्स्ट इज अ प्राइवेट कंपनी बींग सब्सक्राइब ऑफ कंपनी विच इज नॉट एज अ प्राइवेट कंपनी, यानी ये प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती। ए पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 7 मेंबर, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, यानी इनके लिए मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 7, और इनके मैक्सिमम मेंबर के लिए कोई लिमिट नहीं है। द नेम ऑफ द पब्लिक कंपनी इंड विद द वर्ड लिमिटेड, यानी इनके लास्ट में वर्ड में क्या लिखा जाता है, लिमिटेड, जस्ट लाइक के पब्लिक प्राइवेट कंपनी की तरह, जैसे प्राइवेट कंपनी में लास्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड होती है, उसी तरह पब्लिक कंपनी की कंडीशन में कितने क्या लिखा जाता है लास्ट में, लिमिटेड। ए पब्लिक कंपनी कैन रेस इन द कैपिटल द इशू ऑफ शेयर टू पब्लिक फॉर द सब्सक्राइब, यानी कंपनी जो पब्लिक कंपनी हो सकती है अपनी रेस कर सकती है, यानी पैसा ले सकती है किससे, पब्लिक से सब्सक्राइब कर सकती है किससे, इशू ऑफ शेयर के माध्यम से। एक कंपनी, अब ये क्या हो सकती है, अब ये तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी वन पर्सन कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, अब कुछ और कंपनियां हैं जो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में हो सकती है, मे बी यानी कंपनी प्राइवेट और पब्लिक में भी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, यानी जो पहला आ सकता है वो क्या हो सकता है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 22। नेक्स्ट अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 92, और नेक्स्ट आ सकती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 21, यानी इसके आधार पे भी कंपनी को और बांटा गया है। तो पहला क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का ये या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ए कंपनी हैव द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट, इफ एनी, यदि कोई कंपनी कोई जो उसके मेमोरेंडम के आधार पे एक लिमिटेड लाइबिलिटी तक हो सकती है, यानी उनके जो शेयर हो सकते हैं शेयर होल्डर के उतने एक लिमिटेड लाइबिलिटी तक हो सकती है, दैट्स टाइप ऑफ द कंपनी से क्या कहा जा सकता है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अनपेड ऑफ द शेयर रिस्पेक्टली हेल्ड बाय देम द टर्म एज द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, यानी कोई भी कंपनी जो एक लिमिटेड बाय शेयर हो सकता है, जितने शेयर तक का उसका कंट्रीब्यूशन होगा, जितना पैसे तक शेयर में होगा उतने तक की उसकी वो लाइबिलिटी हो सकती है। सेकेंड जो नेक्स्ट आती है वो क्या आता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 92 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। इनके आधार पर क्या कहा गया है, इट इज अ कंपनी वेयर द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज अनलिमिटेड, यानी इनकी कंपनी के जो लाइबिलिटी होती है, कंपनी के जो शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। इट्स मीन इन द इवेंट ऑफ द वाइंड अप द डेब्ट ऑफ द कंपनी शैल बी मेड फॉर प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर, यानी इन द केस अगर कंपनी वाइंड अप होती है यानी पूरी क्लोज होती है, तब की कंडीशन में जितने भी उनके डेब्ट्स यानी लाइबिलिटी होती है उसको पेमेंट करने के लिए उनके मेंबर के प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी यूज किया जा सकता है। इस टाइप की जो कंपनी होती है उसको क्या कहते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अब नेक्स्ट आती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। इनके आधार पे क्या है, इट इज द कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द सच अमाउंट, यानी इनके द्वारा क्या होता है, जितने वो शेयर हो, शेयर तो अपनी जगह है जितने शेयर ले रहे हैं, उसके अलावा जो उनके मेमोरेंडम के हिसाब से उनकी जो लाइबिलिटी होती है, जो अमाउंट की जो पेमेंट की गारंटी होती है, एक मिनिमम अमाउंट तक की होती है। ओके, एज द मेंबर मे बी रिस्पेक्टली अंडरटेक द कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इज द इवेंट ऑफ द बींग वाइंड अप, अगर कोई भी कंपनी वहाँ तक उनकी लाइबिलिटी होगी जहाँ तक कि जब कंपनी होगी वाइंड अप हो रही है, तो जितना उन्होंने शेयर लिया वो तो अलग चीज़ है, लेकिन उनकी जो गारंटी होगी कि उनको उसके एसेट्स का जो पेमेंट करना होगा, उनकी डेब्ट पेमेंट करनी होगी, एक वो किस कंडीशन में, इन द केस ऑफ वाइंडिंग के कंडीशन में मेंबर रिस्पेक्टली अंडरटेक द कंट्रीब्यूट, यानी कंट्रीब्यूट करेंगे अपना एक कंट्रीब्यूट द एसेट्स ऑफ द कंपनी, अपने पर्सनल एसेट्स को कंपनी
कंट्रीब्यूट करेंगे, किस कंडीशन में, जब डेप्ट होती है कि कंडीशन जब पेमेंट करना होगा और कब वाइंड अप के समय में एक मिनिमम गारंटी तक की हो सकती है। इस टाइप की जो कंपनी आती है उनको हम लोग कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। किस सेक्शन के अंतर्गत आता है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 21। अब इसके बाद हम करेंगे डिफरेंस एमंग 1% डिफरेंस जो होगी 1% प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के।